हेलो डियर एस्पायरेंट्स, ये वीडियो मैं तुम लोगों पांच लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करूं। सो बोला वीडियो स्टार्ट करूं और वन बाय वन सॉल्व करूं। इन ए सर्टेन कोड क्लॉक इज रिटन एज KCOLC, फाइंड आउट हाउ स्टेप्स बी रिटन इन दैट कोड। चुना ये तुम लोगों एक क्लॉक लेटर जो आस नुक रिवर्स कर लिखा जास्ट चुना रिवर्स कर ले हम तुम के टू आगत देन COLC तो ये तुम लोग लगे स्टेप्स रिवर्स कर दिया आगत एस एते एस आस देन तुम लोग पी आस देन इ आसे तो एन्सार सेकेंड हो जा ठीक है। यू टी आओ ये आवा रिवर्स अर्डर लिखा क्लियर। देन सेकेंड क्वेश्चन तो चुना हुईच लेटर कम्प्लीट द सीरीज XUROL ठीक है। तो यू एट बस्तु चुना यू दूटा वे तो सल्व करो चुना एक्सर पीछे तुम लोगों की आता भाउल आस यू आर पीछे आको भाउल आस कि ओ तो एलर पीछे कि हम लगे और एक भाउल हम लगे तो ये ऑप्शन भाउल कौन तो आस दैट इज आई। सो आई विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज वन वे यू एट वे है कैनकम सल्व करो और एक उपाय आसो हम तुम लोग पजिशनल भैल्यू एक्सर पजिशनल भैल्यू कि 24 है राइट देन यूर पजिशनल भैल्यू कि 21 है आर पजिशनल भैल्यू कि 18 है देन ओर पजिशनल भैल्यू कि 15 एलर पजिशनल भैल्यू कि तुम लोग 12 तुम लोग जाना। सो चुना इतना भल्दे देन प्रत्येक लेटर सरी प्रत्येक नम्बर मजदूर कि आसेट नम्बर मजदूर 3-3 के डिफरेंस आस ना। सो 12 पीछे कि आब लगे 9 आगे तो 9 पजिशनल भैल्यू कि है देट इज 9 मान तो तुम लोग जाना देट इज ABCDEFGHI तो 9 की तुम लोग आई जाए क्लियर। आई होप बुझी पासा तुम लोग। सो ये एट ब्लाड रिलेशनशिप रिलेशनशिप क्वेश्चन दिखे पी इज द मदर ऑफ के पी इज द मदर ऑफ के इज द सिस्टर ऑफ डी तार माने के और डी की हो गल पी इज द मदर ऑफ पी होल मा ऑफ के और के की होल तार माने के इज द सिस्टर ऑफ डी तार माने डी होल लरा के हल भंटी तमें के और डी की हल भाई भनी ठीक है। डी इज द फादर अफ जे डी इज द फादर अफ जे तार माने पीर लरा छी की के और डी क्लियर यू तो क्लियर हो नाउ डी इज द फादर अफ जे डी जदि जेर फादर है हाउ पी इज रिलेटेड टू जे अफ कोर्स पी है पी की है तुम लोग डिर माय है और डी लरा कौन तो है डी इज द फादर अफ जे दैट इज जे तो पी की हम ग्रैंड मदार हम कार तुम जेर सिम्पलि चुना पी हल कि सरि तुम के और डिर कि है मा है राइट के और डिर मा मदार है नाउ डि कि हल आको तुम कि है जेर देवता तो ऑटोमेटिकली पी और कि जे कि हम पी कि हम जेर ग्रैंड मदार हम क्लियर। नाउ फ्रॉम द ऑप्शन फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सो ये जेड ए आसे देन वाई बी आसे एक्स सी देन डब्ल्यू डी आसे तुम लोग भल्दे चुना जेड जो आस न जेडर पर इनिशियल लेटर्सबूर ये आस गोटे कैसे आज बैकवर्ड गई आस जेडर पीछे क्या आस वाई आस वायर पीछे एक्स एक्सर पीछे डब्ल्यू तो यू बैकवर्ड गई आस नार मानने यू सीरीज प्रथम लेटर तो तुम लोग बैकवर्ड गई आस तो जो बैकवर्ड गई थे तो डब्ल्यूर आगत कि डब्ल्यूर आगत भि राइट और सीमिलारलि चुना पीछर लेटर तो दैट इज एर पीछे कि आर पीछे कि सी सी पीछे कि डि तो नेक्स्ट कि हम तुम लोग इ दैट इज एट लेटर तुम कि गई आस बैकवर्ड गई आस और एट लेटर कि तुम फरवर्ड गई आस लाइक जेड टू तुम जेडर पीछे जेडर आगत वाई वायर आगत एक्स एक्सर आगे डब्ल्यू और ये इार पीछे बी एर पीछे बी बर पीछे सी सर पीछे डि और डिर पीछे कि इ नेक्स्ट क्वेश्चन टू इन ए रफ ट्रीज ए ट्री इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 14th फ्रॉम राइट हैंड हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रॉ सिंपली मन रखा एने का जो क्वेश्चन है ना जो मजद तुम मैंने इने रफ ट्री ए ट्री इज 7th पजिशन
আৰু মানে লেফট হেণ্ড চাইডৰ পৰা তোমাৰ কি আছে ছেভেনত আছে আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ পৰা ফৰ্টিনত আছে। এনেকৈ কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকে চিম্পলি ফৰ্মুলা মনত ৰাখিবা, যি যি পজিশ্যন দিয়া আছে দুটাক প্লাছ কৰিবা, দেট ইজ ছেভেন প্লাছ ফৰ্টিন কৰিলে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান, টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিবা মাইনাছ ওৱান কৰি দিবা। চিম্পলি ফৰ্মুলা, দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা, চিম্পল ফৰ্মুলা, ঠিক আছে। তো এইটো হিচাপত এনচাৰ কি আহি যাব তোমালোকৰ টুৱেণ্টি, দেট ইজ ছেভেন প্লাছ ফৰ্টিন মাইনাছ ওৱান কৰি দিবা, এনচাৰ কি আহি যাব তোমালোকৰ টুৱেণ্টি আহি যাব। বুজি পালা, দিছ ইজ দ্য চিম্পল ফৰ্মুলা টু ছল্ভ দিছ কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যনছ। চ' আই হোপ বুজি পালা। চ' গাইজ থেংকছ ফৰ ৱাচিং, ধন্যবাদ। আৰু যদি তোমালোকৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে কিপ কমেণ্ট, ডু কমেণ্ট ইন দ্য কমেণ্ট বক্স, এণ্ড যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, ধন্যবাদ।